भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 85 इल्जाम विपक्ष पे लगाते हैं, क्या उनके पास सबूत होते हैं? किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। ये सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करने का एक तरीका है। सरकार तमाम एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये पुलिस और क्राइम ब्रांच कभी मुख्यमंत्री के घर जाती है, कभी किसी मंत्री के घर जाती है, और ये मालूम करना चाहती है वो कहाँ सबूत हैं जो उन लोगों ने लगाए कि बीजेपी पैसा दे के MLAs को खरीद रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 85 इल्जाम विपक्ष पे लगाते हैं, क्या उनके पास सबूत होते हैं? किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। ये सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करने का एक तरीका है, और ये साबित करता है कि सरकार तमाम एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।